आज के वक्त का सबसे कॉमन प्रॉब्लम में से एक है ये मोबाइल। जब तक बच्चों को मोबाइल उनके हाथ में नहीं मिल जाता तो उनके कलेजे की ठंडक नहीं पहुंचती, तो इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पर हाँ, एक छोटा मोटा कुछ सॉल्यूशन है जिससे इनके आंखों को बचाया जा सकता है, वो है एसएल एंड्रॉयड टीवी 43 इंच 109 सेंटीमीटर एंड्रॉयड 11 स्मार्ट टीवी, जिससे कम से कम बच्चे दूर से तो टीवी देख सकते हैं। और मुझे भी बहुत सारे न्यूज़ व्यूज़ देखनी थी तो मैंने भी ये टीवी लिया। अब मैंने इसी कंपनी का टीवी क्यों लिया, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट जो रियलिटी है वो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ टीवी लेने के टाइम में। अब इसके अंदर के अनबॉक्सिंग देखिए। जब कोई डीलर आपको ये देने के लिए आएगा आपके घर में, तो ठीक इसके ऊपर ही आपको दो स्टैंड मिलेगा दो कोने में। अगर आपको टीवी स्टैंड में रखना हो तो ये काम आएगा। ओवरऑल इसके अंदर आपको ये सेट मिलेगा, इसके अंदर होगा रिमोट और केबल, लाइक दैट। अब निकालते हैं टीवी को। कैसे आपके कार्टून से टीवी निकलेगी, अब इसको भी थोड़ा नीचे कर लो। ठीक है, इसके अंदर से सब सामान बाहर। यह है केबल, प्लग को लगाओ अंदर, स्विच दो बाहर, और यहाँ पर अंदर में है इसका कनेक्शन जो कि मैंने लगा दिया, राइट। इसी के अंदर मिलेगा आपको एक रिमोट, ये देखो रिमोट को, ये इस तरीके से आपके अंदर रिमोट मिलेगा। ठीक है, अब इसको करते हैं ऑन। अब थोड़ी देर में ये ऑन हो जाएगा, ये देखिए ऑन हो गया हमारा एसर का टीवी। मैंने ये टीवी इसलिए खरीदा क्योंकि पहली बार तो ये मेड इन इंडिया है, ये 4K है, स्मार्ट टीवी है, एंड्रॉयड इसके अंदर 11 है, और इसका वर्किंग प्रोसेस बहुत अच्छा मुझे लगा है। सवाल ये पैदा होता है कि इसके अंदर वीडियो क्वालिटी, चूँकि इसके अंदर 4K है और इसके अंदर जो है ऑडियो क्वालिटी क्या है, तो ये डॉल्बी ऑडियो है, इसके अंदर 30 वॉट का स्पीकर है, HDR है, इसके अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से ही है, इसके अंदर 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज है। तो अब हमें ये देखना है कि इसका पिक्चर क्वालिटी कैसा है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। तो अगर 2023 में किसी को भी टीवी लेना हो, उसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगेगा कि उसके अंदर आखिर पिक्चर क्वालिटी और साउंड क्वालिटी कैसा है। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि मैं अवतार को ही ओपन करके आपको दिखा दूँ। तो ये देखो, ये रहा मेरे सामने अवतार, ये मैंने किया ओके, और ये आपके सामने अवतार खुल जाएगा। अभी यह डिज्नी प्लस हॉटस्टार जो ऐप होता है, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंस्टॉल है। ये देखो, ये है अवतार। मेरे ख्याल में ये क्वालिटी आपको अभी नहीं समझ में आएगी, तो मैं लाइट ऑफ करके आपको क्वालिटी दिखाता हूँ। ये भी 60% साउंड में है। कमाल है, है ना? तो ये है सिग्नल ट्रांसमिशन, इस जड़ से पास वाले पेड़ की जड़। तो हमें सैंपल लेना है, ठीक है? सैंपल तो मैंने आपको लाइट बंद करके अंधेरे में आखिर इसे क्यों दिखाया था, क्योंकि यूट्यूब में जब मैं सर्च कर रहा था तो जितने भी अनबॉक्सिंग करने वाले लोग हैं, कोई भी ये सही तरीके से बता ही नहीं रहा था आखिर पिक्चर क्वालिटी कैसा है। भाई अगर तुम पिक्चर चलाओगे नहीं तो क्वालिटी पता कैसे चलेगा। और मैं बड़ा परेशान कि मैं एसर का टीवी मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ, कहीं मेरा पैसा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इसकी कीमत है 23,000 रुपये। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जो मुझे अपनी मर्जी से टीवी अच्छा लगा वो मैंने चुना। हाँ, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करता था कि वो टीवी मेड इन इंडिया हो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ये मेड इन इंडिया है। तो मैंने अपने हिसाब से टीवी लिया और जहाँ तक मुझे अच्छा लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो क्लैरिटी है ये बहुत अच्छा है, हालांकि ये भी 4K में नहीं कर रहा, नहीं चल रहा है इस वक्त। ये टीवी चल रहा है 1080p में चल रहा है, ठीक है, जो कि हाई डेफिनेशन होता है। अब मैं ऐसे 4K वीडियो में चलाऊंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि इसकी क्लैरिटी कितना अच्छा है। देखिए,
तो ये देखो, इस रिमोट में आपको YouTube का डायरेक्ट बटन मिलेगा। आप डायरेक्ट बटन प्रेस करोगे तो ये सीधा YouTube चैनल ओपन कर देगा। अब YouTube में हम 4K वीडियो चलाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इसका वीडियो क्वालिटी कितना अच्छा है। ऑडियो क्वालिटी बहुत बेस्ट है। अब देखिए, वकांडा में जो लड़ाई हुआ था ना, आप वो देखो। वैसे तो इसमें ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा दिख रही है, मैं इसे सेटिंग में करके ना थोड़ा ठीक कर देता हूँ। क्लैरिटी चेक करो, क्या जबरदस्त क्लैरिटी है। साउंड ये सिर्फ 20% साउंड है, सिर्फ 20% साउंड, ये 30% साउंड, 40% साउंड में और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा, डॉल्बी विजन। मजा आई है। तो ये था सांची। मैं जो सामने से इसे फील कर रहा हूँ, सामने से वो कैमरा में 10% भी नहीं दिख रहा है। फ्रंट से क्योंकि चूंकि लाइट वाइट जल रहा है तो उतना ज़्यादा आपको ज़ाहिर वजह नहीं दिखेगा, पर बहुत औसम जल रहा है। वेल जैसे कि मेरा बच्चा को अगर कार्टून देखना हुआ तो कार्टून कुछ इस तरीके से चलेगा। ये ऐड है, एडवर्टीजमेंट। ऐड को स्किप करो। वन जीरो एट जीरो क्वालिटी पे ये कार्टून चल रहा है। ग्रेट। मक्का इसमें कैसा दिख रहा है? वो मजा आई है। आई लाइक इट। वो ऐसा लग रहा था मैं इधर ही। सुभान अल्लाह। चलो, यह है कपिल शर्मा शो, मेरी वीडियो देखते हैं। सच में मजा आया। मामला है शाहरुख खान की आने वाली मूवी पठान के बारे में, जिस मूवी में एक सॉन्ग है जिसका नाम है बेचैन सॉन्ग। इस सॉन्ग में दीपिका पादुकोण ने बेचैनी सारी हदें ही पार कर दी है। अगर इस वीडियो को कोई सच्चा मुसलमान 20% आवाज से भी अगर देख लेगा तो वो सिर्फ देखिए, साउंड बहुत अच्छा है। बड़ी खबर यही है, कमाल, मोदी में एक बार फिर से जनता का विश्वास है। देश की 52% आधी आबादी से ज्यादा लोग, अगर हम सर्वे को एक्सट्रपोलेट करें तो 52% लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। वही
दलाली का लिमिट क्रॉस हो गया, दलाली का लिमिट क्रॉस हो गया है। गैस महंगा, सब कुछ महंगा, उसका बावजूद भी कोई मोदी को गैस चुन सकता है। जा भाई, थू है तेरा ऊपर, नहीं देखना है तेरा वीडियो, भाग यहां से। चलो तो अब आते हैं होम पर। वेल, तो ये है इसका सरफेस। चलो तो ये था एसर 4K डॉल्बी ऑडियो के साथ एंड्रॉयड 11 का स्मार्ट टीवी का अनबॉक्सिंग, जो कि अच्छी तरीके से नहीं था, लेकिन जो आपको ज़रूरत था इसका वीडियो क्वालिटी जानने के बारे में, ऑडियो क्वालिटी के बारे में, वो मैंने कोशिश की थी आप तक बखूबी पहुंच जाए। अगर पहुंच गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे ये टीवी बहुत अच्छा लगा, 24,000 रुपये में पूरा पैसा वसूल, 2 साल के वारंटी के साथ। अब ये टीवी 6 महीने बाद कैसा वर्क करती है, फिलहाल अच्छा है। अब 6 महीने बाद जो भी होगा मैं आपके सामने रख दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं भी करना तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम व बरकात, अल्लाह की सलाम तेरे में बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पेश पॉनस। अरे जाते हैं एक बार वैसे साहब पेश में जाना। और टीपू की हम तारीफ क्यों करते, टीपू गद्दार नहीं था, टीपू वफादार था, कबूल नहीं किया। टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा उठाया कि मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराऊंगा, और टीपू शहीद हो गया अपने हाथ से तलवार की टीपू। और ये अंग्रेजों के जो गुलाम थे आज टीपू को गाली देते, टीपू ने माफीनामा लिखा।